जरूरी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं MNS न्यूज लाइव, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मर्शी। तो आइए जानते हैं देश और दुनिया की कुछ क्राइम की खबरें। मर्डर, धमकी, आज जेल, 20 साल बाद रिहाई। मंत्री रहे अमरमणि त्रिपाठी की सजा हॉस्पिटल में कटी, बेटा भी 6 साल से जमानत पर। तारीख 9 मई 2003। दरअसल लखनऊ में 24 साल की मधुमिता शुक्ला का घर में घुसकर मर्डर कर दिया गया। आरोप तब की मायावती सरकार में मंत्री रहे अमरमणि त्रिपाठी और उनकी पत्नी मधुमणि पर लगा है। केस का स्टेटस 20 साल बाद 24 अगस्त 2023 को अमरमणि और मधुमणि त्रिपाठी रिहा हो गए। दोनों की सजा का ज्यादातर वक्त गोरखपुर मेडिकल कॉलेज के प्राइवेट वार्ड में बीता है। तारीख 9 जुलाई 2015 अमरमणि त्रिपाठी की बहू सारा सिंह का कार एक्सीडेंट में मौत हो गई। सारा के परिवार ने हत्या का शक जताया। आरोप अमरमणि के बेटे अमन मणि पर लगा है। केस का स्टेटस 2017 में केस शुरू हुआ। 9 मार्च 2017 को अमन मणि को जमानत मिल गई, तभी से वो जेल से बाहर है। दो केस, दोनों की CBI जांच हुई। आरोपी बाप बेटे सरकार के करीबी, एक पर कथित गर्लफ्रेंड और दूसरे पर पत्नी की हत्या का आरोप, दोनों फिलहाल जेल से बाहर है। अमरमणि त्रिपाठी की जेल से रिहाई के बाद मुदिता शुक्ला और सारा सिंह के परिवार से बात की। दोनों परिवारों ने लंबे वक्त तक कानूनी लड़ाई लड़ी है। उनका आरोप है कि बाप बेटे रसूख का इस्तेमाल कर केस अपने पक्ष में करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हमने मधुमिता शुक्ला की बहन निधि शुक्ला से बात की। लखीमपुर में यह रह रही निधि मिलने के लिए तैयार थी, लेकिन कहां ये नहीं बताया। बोली फोन पर लोकेशन नहीं बता सकती, सरकार हमारा फोन रिकॉर्ड करवा रही है, मैं आपको बताऊंगी तब आप आइए। कुछ देर बाद निधि शुक्ला का फोन आया। उन्होंने कहा कि मैं लखीमपुर में हूँ, आप आ जाइए। हम अगले दिन ही लखीमपुर पहुंचे। निधि शुक्ला के बताए पते पर गए तो घर में पुलिस का एक जवान मिला। तलाशी लेने के बाद ही हमें अंदर जाने दिया। हमने उनकी फोटो लेनी चाही तो रोक दिया। निधि हमें अंदर ले गई। वहां एक टेबल पर मधुमिता के केस से जुड़े कागज बिखरे पड़े थे। हमने पूछा, आप यहां अकेले रहती है? जवाब में उन्होंने, पहले माँ रहती थी लेकिन उनकी उम्र हो चुकी है, इसलिए भाई के पास भेज दिया है। यहां मैं और मेरे पति रहते हैं, 1.5-2 साल पहले ही हमारी शादी हुई है। निधि को मधुमिता केस की हर जानकारी तारीख के साथ याद है। वे कहती है, मुझे याद है जब CBI जांच कर रही थी तो मायावती सरकार ने कितनी रुकावटें डाली थी। केस कोर्ट में पहुंचा तो सबसे ज्यादा मुश्किल हुआ। अमरमणि ने पूरी गैंग हमारे गवाहों के पीछे लगा दी थी। उसके लोग लखनऊ में खुले आम घूम रहे थे, किसी गवाह को मार रहे थे, किसी गवाह के बच्चे को किडनैप कर लिया। लखनऊ से 5 पुलिस वाले भेजे, जो पुलिस वाले कम गुंडे ज्यादा दिख रहे थे। इतना प्रेशर बना दिया कि मैं गवाही के लिए नहीं गई। इसके लिए CBI कोर्ट ने हम पर 2000 रुपए का जुर्माना भी लगाया था। अमरमणि के डर से हमारे 2-3 गवाह पलट गए। मैं सुप्रीम कोर्ट चली गई। इसके बाद केस देहरादून ट्रांसफर हो गया। वहां की स्पेशल कोर्ट ने अमरमणि और मधुमणि त्रिपाठी को उम्र कैद की सजा सुना दी। दरअसल सजा पूरी होने से पहले ही दोनों को रिहा कर दिया गया। रिहाई का आधार अच्छा बर्ताव गया है। आप देखिए, उस वक्त भी सरकार दोषियों के साथ थी और आज भी है। हमें सरकार से उम्मीद भी नहीं है। अमरमणि का केस UP आया था, तभी लग गया था कि कुछ ऐसा जरूर होगा। निधि शुक्ला बताती है कि 2007 में अमरमणि और मधुमणि समेत 4 लोगों को मधुमिता हत्याकांड में सजा सुनाई गई है। 2008 में उसने यूपी में अपने ऊपर फर्जी केस बाउंस का
केस करवा दिया। इसी केस की सुनवाई के लिए अमरमणि और मधुमणि गोरखपुर आए और खुद को बीमार बताकर बीआरडी मेडिकल कॉलेज में भर्ती हो गए। इसके बाद इनका जेल से आना जाना जारी रहा। उत्तराखंड सरकार ने नहीं पूछा कि उनका कैदी कहाँ है या सब जानकर चुप रहे। 2013 में अमरमणि ने अखिलेश सरकार के वक्त मर्सी पिटीशन डाली थी, लेकिन सरकार ने उसे दूसरे प्रदेश का कैदी बताकर रिजेक्ट कर दिया। अमरमणि की रिहाई पर निधि कहती कि मुझे पहले ही पता चल गया था कि 15 अगस्त को वो छूटने वाला है। हंगामा होने लगा, इसलिए उसे 24 अगस्त को रिहा कर दिया गया। मैं कोशिश कर रही थी कि अमरमणि ना छूटे, लेकिन मुझसे एक गलती हो गई। मैंने सबको बता दिया कि 25 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है, इसलिए उसे 24 अगस्त को रिहा कर दिया गया। 25 अगस्त को हुई सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने अमरमणि की रिहाई पर रोक लगाई। कोर्ट ने एक मेडिकल टीम बनाकर 4 हफ्तों में रिपोर्ट देने के लिए कहा। ये डेडलाइन 25 सितंबर को पूरी होगी। दरअसल देहरादून सेशन कोर्ट से अमरमणि और मधुमणि के 24 अक्टूबर 2007 को सजा सुनाई थी। मधुमणि को 4 दिसंबर 2008 और अमरमणि को 13 मार्च 2012 को हरिद्वार जेल से गोरखपुर शिफ्ट किया गया था। गोरखपुर में 11 साल 5 महीने की सजा के दौरान अमरमणि ने सिर्फ 16 महीने जेल में काटे, बाकी वक्त बीआरडी मेडिकल कॉलेज के प्राइवेट वार्ड में बीता। मधुमणि त्रिपाठी को चेक बाउंस के एक मामले में उत्तराखंड से गोरखपुर जेल लाया गया। इसके बाद वे वापस नहीं गई। 16 अप्रैल 2012 को जेल के एक डॉक्टर की सिफारिश पर उन्हें बीआरडी मेडिकल कॉलेज भेजा गया था। अमरमणि को 27 फरवरी 2014 को मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया, तभी से वे हॉस्पिटल में भर्ती है। यानी कि अमरमणि 11 साल 5 महीने की सजा में सिर्फ 16 महीने जेल में रहे। क्या अमरमणि और मधुमणि की रिहाई नियमों के मुताबिक नहीं हुई? इसके जवाब में निधि कहती है यूपी सरकार अमरमणि के हिसाब से चलती है। वो जेल में बैठकर ट्रांसफर पोस्टिंग करवाना चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जेल में कैदी बढ़ रहे हैं, इसलिए अच्छे बर्ताव वाले बुजुर्ग कैदियों को छोड़ दिया जाए। नियम ये है कि कैबिनेट की मीटिंग में ऐसे कैदियों पर विचार किया जाता है। कमेटी के बायलॉज में लिखा गया है कि रेप और मर्डर के आरोपियों को समय से पहले नहीं छोड़ा जाएगा। मुख्यमंत्री अपने विशेषाधिकार का इस्तेमाल करें, तभी ऐसे कैदियों को छोड़ा जा सकता है। मुख्यमंत्री ने विशेषाधिकार इस्तेमाल कर गवर्नर के पास कागज भेज दिया। अमरमणि और उसकी पत्नी फौरन रिहा कर दिए गए। अमरमणि की रिहाई के बाद 6 बार धमकियां मिली। निधि कहती है कि अमरमणि के रिहा होने के बाद से मुझे 6 बार जान से मारने की धमकी मिल चुकी है। अमरमणि का शूटर संतोष राय लखीमपुर भी आया था, उसने मेरी सुपारी ली है, अब मेरी जान को खतरा है। और वो शूटर क्यों ना घूमे जब उसका सरगना ही बाहर घूम रहा है। अमरमणि को आरोपी बताया तो मायावती सरकार ने सीबीसीआईडी के डायरेक्टर को सस्पेंड किया। निधि शुक्ला कहती है कि एक हफ्ते तक मधुमिता का केस लखनऊ पुलिस के पास था। मामला दबाने की कोशिश तभी से शुरू हो गई थी जब 17 मई 2003 को केस सीबीसीआईडी को ट्रांसफर कर दिया गया। सीबीसीआईडी ने जांच समय पर पूरी की और जून में सीएम मायावती को रिपोर्ट सौंप दी। इस रिपोर्ट में अमरमणि त्रिपाठी को आरोपी बताया गया था। इससे नाराज मायावती ने सीबीसीआईडी के डायरेक्टर समेत 6 पुलिस वालों को सस्पेंड कर दिया। इसके बाद 17 जून 2003 को केस सीबीआई को ट्रांसफर किया गया। मधुमिता केस को किस तरह प्रभावित करने की कोशिश की गई, ये जानने के लिए हम लखनऊ के रिटायर्ड आईपीएस राजेश पांडे से मिले। राजेश पांडे मधुमिता हत्याकांड के वक्त लखनऊ के एसपी क्राइम थे। मधुमिता की हत्या के बाद मौके पर सबसे पहले पहुंचने वाले बड़े अधिकारी वही थे। अफसरों का दबाव बनाया, फेक सीडीआर बनाई, नकली गवाह तैयार किए गए। रिटायर्ड आईपीएस राजेश पांडे बताते हैं कि 9 मई 2003 को लखनऊ के चौक थाने में अधिकारियों की मीटिंग थी। अगले दिन चुप ताजिया का जुलूस निकाला गया।
इसीलिए अभी अधिकारी सिक्योरिटी का रिव्यू कर रहे हैं। शाम करीब 6:30 पर वायरलेस पर मैसेज आया कि निशानगंज में एक महिला की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। तब एसएसपी रहे अनिल अग्रवाल ने मुझसे कहा कि आप वहां पहुंचिए, हम भी आ रहे हैं। मैं पहुंचा तब मकान के सामने भीड़ लगी हुई थी। घर के अंदर बेड के किनारे एक महिला की डेड बॉडी पड़ी थी। हम लोगों ने पूछताछ शुरू की, पता चला कि मरने वाली महिला का नाम मधुमिता है, वही उसकी बहन निधि भी थी। उसने बताया कि वो शॉपिंग करने गई थी, करीब 3 से 4 बजे दो लोग घर आए थे। मधुमिता ने उन्हें अंदर बुलाया और नौकर देशराज को चाय बनाने के लिए कहा। देशराज जैसे ही चाय बनाने गया, दोनों ने मधुमिता को गोली मार दी। देशराज ने उन्हें बाइक से भागते देखा। निधि से बात हो रही तभी एसएसपी साहब आ गए। उन्होंने निधि से पूछा कि घटना 4 बजे की है, पुलिस चौकी भी करीब है, तब आपने इतनी देर से क्यों खबर दी? निधि ने जो बताया उससे तभी से कान खड़े हो गए। उसने कहा कि मैं मंत्री जी को फोन लगा ही रही थी, बात नहीं हो पाई तो पुलिस को बुलाया। एसएसपी साहब ने सख्ती से पूछा तो उसने बताया कि मधुमिता मंत्री यानी अमरमणि त्रिपाठी से प्रेग्नेंट थी, उसका 3 से 4 साल का महीने का गर्भ था। इस बात की तुरंत तस्दीक कराई गई, इस बात को सही निकली। इसके बाद मामला संवेदनशील होता गया। सुबह मधुमिता का पोस्टमार्टम हुआ तो अमरमणि भी वहां आ गया। निधि शुक्ला और उसकी मां से अमरमणि की कहा सुनी भी हुई, लेकिन पोस्टमार्टम होने तक वो वहीं रहा। उसके बाद बॉडी लखीमपुर भेज दी गई। मधुमिता की हत्या की खबर अखबारों में आ चुकी थी। सीएम मायावती ने अमरमणि से पूछा तो उसने कहा कि उसके विरोधियों की साजिश है। मधुमिता की बॉडी रवाना हो गई, तब किसी ने एसएसपी साहब को याद दिलाया कि फीटस का डीएनए नहीं लिया होगा तो कोर्ट में साबित करना मुश्किल हो जाएगा कि मर्डर अमरमणि ने ही करवाया है। उन्होंने तुरंत बॉडी को दोबारा लखनऊ बुलवा लिया, यहाँ फीटस का डीएनए सैंपल लिया गया। इसके बाद बॉडी लखीमपुर भेज दी गई। यह डीएनए टेस्ट बाद में अमरमणि के खिलाफ सबसे पुख्ता सबूत बना। क्या अमरमणि ने केस को प्रभावित किया? नवनीत त्यागी कहते हैं कि सीबीआई जांच में कई सबूत मिले हैं जिनसे पता चलता है कि सारा की हत्या अमरमणि ने की थी। जैसे कि बताया गया कि कार के सामने आई लड़की को बचाने की कोशिश में एक्सीडेंट हुआ। सीबीआई जांच में ये बात भी झूठी पाई गई। सारा सिंह की पोस्टमार्टम रिपोर्ट को जानबूझकर बदला गया। उसके शरीर में अंदरूनी चोट थी, गले पर निशान थे। जांच में सामने आया कि उसका गला चार्जर केबल से कसा गया था। ये फैक्ट गलत पाया गया कि कार बहुत स्पीड में सड़क किनारे गिरी थी। कार का जिस स्पीड में गिरना बताया गया उसमें वो बुरी तरह डैमेज होती और कार चलने वाले को भी चोट आती, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। सीएफएस रिपोर्ट, एफएसएल रिपोर्ट और आईआईटी दिल्ली की रिपोर्ट में भी हादसे को संदिग्ध माना गया है। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल में देखने के लिए प्ले स्टोर से एमएनएस न्यूज टीवी अब डाउनलोड करें। इंस्टा, ट्विटर, फेसबुक और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com। पर फिलहाल वक्त हो चुका है एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखेंगे देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। नमस्कार।